ओके okay, अब हम देख रहे हैं कि फोटोशॉप के जो नया वर्जन है इसका वर्जन कौन सा है। हेल्प में जाके हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं अबाउट फोटोशॉप पर, ये हमें बता देगा ये कौन सा वर्जन है। तो ये वर्जन है 22.11 एडोब फोटोशॉप सीएस 2021 आई थिंक सो। ठीक है क्लिक करते हैं। अब इस वर्जन में अगर वो सिलेक्शन वगैरह करना हो, बैकग्राउंड चेंज करना हो, तो इसमें थोड़ा सा एक टूल दिया हुआ है वो जरा इससे भी आसान है और वो इजीली काम कर लेता है। लेकिन फर्क ये होता है कि देखिए नए वर्जन के लिए नए कंप्यूटर्स और नए ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड्स होते हैं जिसके बाद वो बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो ये थोड़ा हैंग भी करता है पीसी में। तो यहाँ से देखिए फाइल में ओपन किया और यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से चला गया सपोज टू बी दोबारा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद मैंने यहाँ से क्लिक किया लेटेस्ट के फोल्डर के ऊपर और यहाँ से क्लिक करके मैंने यहाँ से एक सिलेक्ट किया अपना इमेज। तो कौन सा इमेज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं गया और सपोज टू बी इस इमेज को देख लेते हैं। अब ये इमेज के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड है, हम चाहें तो इसमें अनलॉक कर लिया मैंने लेयर्स को इसके अंदर और यहाँ पर हमारे पास जो है कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक टूल तो वही है क्विक सिलेक्शन टूल, इसमें भी हमें दिया गया है पुराने वर्जन से इसके अंदर लिया गया है इनहेरिटेंस है इसकी, तो ये तो वैसे ही काम करेगा जैसे उसमें कर रहा था। तो ये इससे पुराने वर्जन में भी है। अब आते हैं इस टूल के ऊपर जिसका नया टूल दिया है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये टूल इससे भी आसान है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इसका सिलेक्शन आपने क्या रखना है। यहाँ सिलेक्शन लेसो भी है और यहाँ सिलेक्शन रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल का मतलब है कि स्क्वायर में सिलेक्शन करेगा, लेसो का मतलब है कि हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे। पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल में हमने यहाँ से न्यू सिलेक्शन पे रखा हुआ है और इसमें प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्लिक करके इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रखा है और यहाँ से मैंने इसको ऐसे करके अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे करके इसके सिलेक्शन में लिया। जैसे ही मैंने इसके सिलेक्शन में लिया तो इसने ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये है फोटोशॉप के वर्जन का कमाल, मतलब जितना लेटेस्ट वर्जन आप अपने पास इंस्टॉल करेंगे लाजमी बात है लेटेस्ट वर्जन कॉस्ट भी करेगा, आपको पैसों में भी महंगा पड़ेगा और सिस्टम भी आपको अच्छा चाहिए होगा चलाने के लिए, रैम हार्ड डिस्क भी चाहिए होगी। लेकिन ये कि नए वर्जन में ये फायदा होता है कि वो इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेगा। अब अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है तो उसको हम न्यू ऑल्टर के साथ थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं पहले और यहाँ से अब ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्शन छोड़ के क्विक सिलेक्शन ले लेते हैं और ये जूम करके जो इसके बाल वगैरह रह गए इसको हम यहाँ से ऐड सिलेक्शन पर रख के यहाँ से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हिस्सा इसके साथ कवर अप हो गया और जो एक्स्ट्रा आ गया है तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन करके आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है तो यहाँ से हिस्सा निकल गया और ये इसने इसको सिलेक्ट कर लिया है। कुछ हिस्सा अगर इसका रह गया है तो आप दोबारा ऐड सिलेक्शन पर रख के ये भी कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर भी एक शॉर्टकट है कि बार बार सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन ऐड सिलेक्शन यहाँ से लेने के बजाय अगर आप ऐड सिलेक्शन में हैं और आपको इसको कन्वर्ट करना है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन के अंदर तो ऑल्ट का बटन होल्ड करें और इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर दें। ठीक है और ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको थोड़ा और जूम कर लें और इसको जूम आउट करके थोड़ा सा इस तरीके से जितना जूम करके काम करेंगे उतना फोटोशॉप को आसानी होती है पिक्सल्स को सिलेक्ट करने में। और ये इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेता है, ऑल्टर करके हम इसको थोड़ा सा निकाल भी देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया और अभी हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया कंट्रोल। अच्छा अब यहाँ पे देखिए इसके बुक का एज रह गया है तो इसके बुक के एज को हमने लिया यहाँ पे ऐड सिलेक्शन के ऊपर, तो इसने आराम से इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ गया, तो ये इस तरह से आ गया और ये इस तरीके से आ गया। ठीक है और उसके बाद हमने क्या किया इसको कंट्रोल सी कर लिया कॉपी और एक न्यू लेयर लेके इसका देखिए इंटरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगा, बात एक ही सिर्फ दिखावा इस तरह से। तो यहाँ से क्लिक किया क्लिपबोर्ड पे, इसने इसका विड्थ और हाइट तो निकाल के दे ही दिया है, रेजोल्यूशन आप खुद सेट कर लें। पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप में क्लिक करके कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर लें और यहाँ पे देखिए ये आ गया इसमें। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको डबल क्लिक किया और यहाँ से हमने इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करके और यहाँ पर हमने वही टूल ले लिया जिसका नाम था पैंट बकेट टूल, तो पैंट बकेट टूल लेके हमने यहाँ से इसके बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए इसकी लेयर पे क्लिक हो गया, बाकी सेव वेव करने का प्रोसेस सेम ही है। फाइल में जाइए, यहाँ से आपको वही सेव वेव की कमांड मिल जाती है, क्लिक करके आप इसको जहाँ सेव करना चाहें सेव ऑन कंप्यूटर तो यहाँ से क्लिक करके फिर आप बताएंगे कहाँ सेव करना है इसको। तो अगर आपको इसको पीएनजी फाइल सेव करनी है तो फाइल में जाके यहाँ से पीएनजी फाइल पे सेव कर दें और अगर आपको जेपीजी फाइल सेव करनी है तो यहाँ से सेलेक्ट करके जेपीजी और फोटोशॉप में सेव करना है तो पीएसडी फाइल यहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी फाइल को अगेन सेव कर सकते हैं। और सेविंग के बाद वही मेथड रहेगा कि वो किस तरह से आप पीएसडी करेंगे तो लेयर्स के साथ खुलेगा और पीएसडी नहीं करेंगे तो विदाउट लेयर्स खुलेगा, पीएनजी में खुलेंगे तो एक लेयर में। अब आते हैं एक दूसरी फोटो को हम लेते हैं इसके अंदर और लेसो टूल के जरिए इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कंट्रोल ओ किया, एक दूसरी इमेज देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम जाने के बाद जैसे इस इमेज पे क्लिक करते हैं और ये ओपन हो गया। अब मैं इसको यहाँ से अनलॉक कर रहा हूँ तो ये अनलॉक हो गया और उसके बाद इस खुलिया लेयर स्टाइल क्लिक करके कैंसिल कर देते हैं।
और यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल की जगह लेसो लेते हैं। अब जब लेसो लेंगे तो फिर आप इसको इस तरह से बता रहे होंगे कि ये इस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये खुद से इसको सिलेक्ट कर लेगा। अब लेसो में भी यही एक इसमें तरीका है कि जब आप लेसो कर लेंगे तो दोबारा यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल ले लें, और क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप इसको सब्ट्रैक्शन पर रख लें। सब्ट्रैक्शन पर रखने के बाद आप इसको जूम इन कर लें, और फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा एरियाज हैं वो आप इसके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो वो इसमें से निकालता चला जाएगा। और फिर जब फिनिश हो जाए आपका सिलेक्शन, तो फिर आपने इसको ले जा के कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। फिर आप चाहें तो इसमें एक ट्रिक और भी है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी फोटो के अंदर रहते हुए इसका बैकग्राउंड या इसको अलग करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल जे शॉर्ट की है डुप्लीकेट लेयर की। जैसे ही सिलेक्टेड एरिया को कंट्रोल जे करेंगे आप, तो ये आपके सामने ये इसी के अंदर एक लेयर बनाएगा और उसमें इस फोटो को अलग से करके सेव कर देगा। फिर आप ये भी कर सकते हैं, यहीं पर इसी में रहते हुए काम करते हुए एड न्यू लेयर कर लें, और इसमें अगर कोई आपने बैकग्राउंड पे कोई कलर वगैरह भरना है तो यहाँ पे जो भी कलर पे आप लगाना चाह रहे हैं इस पे क्लिक करके उस पे अप्लाई करें पैन बकेट टूल की मदद से। और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो कलर फिल हो जाएगा, उसके बाद उस लेयर्स को उठा के नीचे रख दें तो ये आपको इस तरह से फिर नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये तो नए डुप्लीकेट लेयर को डुप्लीकेट करेगा। अगर आप सिलेक्टेड एरिया को कंट्रोल जे करेंगे तो उसको सिलेक्टेड एरिया को अलग लेयर पर डाल देगा कॉपी करके, एक शॉर्टकट करके। ठीक है ना, तो ये इस तरह से काम कर रहा होता है। फिर इसके एज कम्पेयर टू एक और टूल है जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल वो इससे भी पुराना टूल है। ठीक है ना, मैजिक वॉन्ड टूल को कैसे यूज करते हैं मैं उसके लिए जरा फोटोशॉप का वही CS6 वर्जन खोल लेता हूँ और उस पर आपको यूज करके बता देता हूँ। जैसे मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करता है, इसके अंदर एक वर्ड यूज है मैजिक। मैजिक का मतलब क्या है कि जैसे ये एक जैसे कलर्स को ज्यादा हिट करता है, मतलब जो कलर्स एक जैसे होंगे दिखने में उनको ये ज़्यादा यूज़ करेगा और उसके तरीके से ये यूज़ कर सकेगा।